आज ना घर में कोई भी सब्जी बची नहीं है, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो कंगना ने आके, कंगना मेरी बेटी, उसने आके बोला कि माँ कुछ नहीं तो आलू कुलचा बना दो। तो मैंने बोला गुड आइडिया। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ आलू कुलचा। तो मैं ये 1 कप मैदा ले रही हूँ। मैं कभी कभी ये आटे से भी बनाती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, हाफ एंड हाफ भी कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये हाफ टी स्पून है, ये हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है, और ये हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है। इसमें दोनों भी डालेंगे हम, बिकॉज कुलचा का टेक्सचर आलू के पराठे से थोड़ा अलग होता है, तो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों इसमें जाता है। और ये मेरे पास 1/4 कप से आधा, मतलब ये हो गया 2 टेबल स्पून दही है, ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अंदर मैं डालूंगी ये 1/2 टीस्पून शक्कर। ये शक्कर गुजरातियों का एंगल नहीं है, इसमें शक्कर होती ही है, तो शक्कर जरूर डालिएगा, आटा बहुत अच्छा बनता है। जब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही और शक्कर डालते हैं ना, तो ये सब मिल के आटे को एक अलग टेक्सचर देता है, तो उसके लिए शक्कर जरूरी है। और अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, और लास्ट में अब डालूंगी मैं ये 1 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून है, तो मैं 2 बार डाल देती हूँ, 1 टीस्पून जितना ऑयल। और अब एक सॉफ्ट सा आटा बनाएंगे। पहले मैं सारी चीजें मिक्स कर लेती हूँ और फिर ये पानी डाल के आटा बना लेंगे। हमें अच्छा खासा सॉफ्ट आटा बनाना है, रोटी से भी थोड़ा सॉफ्ट आटा बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और बस इकट्ठा करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए अच्छा खासा सॉफ्ट आटा बन चुका है। अब ये आटे को थोड़ा सा तेल लगा के रेस्ट देना बहुत जरूरी है, कम से कम 2 घंटा तो इसको छोड़ना पड़ेगा। मैं पहले थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ दोनों ही तरफ और से इसको टक इन करके, और इसको अब ढक के छोड़ना पड़ेगा 2 घंटे तक, कम से कम 1.5 to 2 आवर्स रखेंगे ना, तो दैट विल गिव यू नाइस रिजल्ट। और तब तक हम बनाएंगे आलू की स्टफिंग। आलू कुलचा बन रहा है ना, पर हाथ धोना पड़ेगा। अब ये आलू की स्टफिंग के लिए मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया है ताकि वो लंपी आलू ना मिले हमको। तो मैं ये ले रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। ये देखिए, ये मेरे पास साबुत धनिया था जिसको हल्का सा रोस्ट करके हमने कूट लिया है दरदरा, वो मैं डाल रही हूँ। मेरे पास ये चाट मसाला, मैं वो भी डाल रही हूँ इसके अंदर। एक्चुअली इसके अंदर अनारदाना होना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे खट्टापन आता है, या तो फिर वो ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास वो दोनों नहीं था इसीलिए मैंने चाट मसाला डाला है। अगर आपको वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और अब ये मेरे पास है अजवाइन, मैं उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसल के डाल देती हूँ। अजवाइन बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। और ये कुछ अदरक है बारीक से श्रेड किया हुआ, वो डाल रही हूँ। हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, हरा वाला प्याज था मैं वो डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और ये डाल देती हूँ कुछ धनिया का पत्ती। वेरिएशन आप अपने फैमिली को जो पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हो। बस इसको मिक्स करना है और बार आटा चेक कर लेते हैं। आटा काफी अच्छा लग रहा है। ये 2 घंटे बाद जब आप आटे को खोले तो एक बार वापस थोड़ा सा इसको गूंद लीजिएगा, ताकि ये देखिए ऐसा स्मूथ टेक्सचर आपको मिल जाए, क्योंकि बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा से आटा थोड़ा फूल गया होता है, तो
तो वो क्रैक आ जाती है उसके ऊपर, तो ऐसे वापस गूंदेंगे ना तो एकदम स्मूथ हो जाएगा। और ये साफ वाला है वर्क सरफेस पे थोड़ा सा सूखा वाला मैदा छिड़कती हूँ। ये वाला आटा रखेंगे और मैं पहले इसके पेड़े काट लेती हूँ और एक पेड़े को रख के बाकी का ढक देंगे। मैं ये थोड़ा सा तेल वाला हाथ करके ये आटे को फैला देती हूँ और अब ये बीच में मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए, आप चाहो तो ये बेलन से भी बेल सकते हो, ऐसे थोड़ा सा आप बेल के ये लीजिए। अब डालेंगे स्टफिंग। ये मैं ये हाफ टेबल स्पून जितना स्टफिंग, एक्चुअली आपके पेड़े पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा पेड़ा बनाया है। तो अब ऐसे हम खींचते हुए बंद कर लेंगे और बस स्टफिंग भर के हम ऐसे हाथों से फैलाने की कोशिश करेंगे। मैं पहले ये थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ कुलचे के ऊपर, क्योंकि मुझे इसके ऊपर ये कलौंजी है, ये अनियन सीड्स बोलते हैं, वो है, मैं वो डाल देती हूँ और कुछ धनिया है वो डाल देती हूँ। और अब हल्का सा ये सूखा आटा डस्ट करके बस मैं बेल लूंगी। कुलचा रोटी जितना पतला नहीं होता है तो उसको थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि हमने उसमें आलू की स्टफिंग भी डाली हुई है। और आपका जितना तवा बड़ा है उस हिसाब से आप कुलचा बना सकते हैं। तो मेरे लिए कुलचे की ये साइज एकदम परफेक्ट एंड नॉर्मल है। ये तो बेल के तैयार है, अब इसको सेक लेते हैं। उसके लिए पहले मैं कुलचे को ऐसे उल्टा कर लेती हूँ और मैं थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ, क्योंकि हमें इसको तवे पे चिपकाना है। तो ये हल्का सा पानी लगा दिया और सीधा इसको रख देंगे हम गरम तवे पे। और ये एकदम ही गरम तवा है उस पे हम कुलचा रख देंगे और थोड़ा सा ठीक से फैला देंगे। और हमें इसे पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। एकदम ही गरम फ्लेम पे आप कुलचे को रखेंगे ना तो वो अंदर से एकदम कच्चा रह जाएगा और एकदम ही वो कलर पकड़ लेगा। तो उसको आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए। ये देखिए, अगर आपका आटा सही लगा होगा ना तो इतने अच्छे से इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। और अब ये देखिए, नीचे की साइड तो ऑलरेडी पक चुकी है, अभी ऊपर की साइड पकाने के लिए मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई हीट पे रखूंगी और अब मैं इसको पलट के पकाऊंगी। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए हम कुलचे को ऊपर की तरफ भी पका लेंगे। अरे वाह, क्या अच्छा कुलचा फूल रहा है ना। एक्चुअली इसको घुमाते हुए हीट देना पड़ता है, वरना एक ही तरफ से जल जाएगा और दूसरी तरफ से कच्चा रहेगा। सो इसीलिए मैं ऐसे झुक के इसको पका रही हूँ। वाह, क्या फूला फूला कुलचा बना है। ये बनता है जब आपका आटा बहुत अच्छा लगता है और वो प्रूफ अच्छे से होता है। वाह, इसे कहते हैं कुलचा, वो भी बिना तंदूर का। ये देखिए पीछे भी कितना अच्छा बन गया है ना। ये कोई बोल सकता है गैस पे पका है, एकदम तंदूर जैसा लग रहा है ना। अब मैं यहाँ पे, मेरे पास पिघला हुआ बटर है, मैं वो डाल देती हूँ और आज का लंच डन। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म कुलचा। बहुत ही ज्यादा गर्म है। बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि तंदूर से नहीं बना है। सुपर्ब।